हेलो गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हमारा जो है डे थ्री है। किस चीज के लिए हमारा डे थ्री है? आज हमारा आस्क मी योर डाउट का डे थ्री है, जिसमें कि मुझे स्टूडेंट्स के जो डाउट आए थे उन डाउट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग विस टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो अभी जो डाउट आ रहे हैं वह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सॉल्व कर रहे हैं, आफ्टर दैट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, आफ्टर दैट जिस चीज के आप चाहेंगे वैस चीज के लिए हम स्टार्ट कर देंगे। अगर बात की जाए, यस दिस इज डे थ्री ऑफ द डे थ्री ऑफ आस्क मी योर डाउट। तो आस्क मी योर डाउट है क्या गाइज? आस्क मी योर डाउट एक सीरीज है जिसमें कि आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप ईसी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप डबल ई ब्रांच के स्टूडेंट है, आपको क्या करना है, आपके जो भी डाउट है उन डाउट का आपको एक पिक्चर लेना। यस टेक पिक्चर ऑफ योर डाउट, यस टेक पिक्चर ऑफ योर डाउट एंड सेंड योर डाउट टू मी ऑन फेसबुक, टेलीग्राम और ऑन माई टेलीग्राम नंबर और माई पर्सनल मोबाइल नंबर। यस आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर भी मुझे भेज सकते हैं। क्या करना है आप इस पे आप मुझे टेलीग्राम कीजिए। यस आप मुझसे टेलीग्राम पर इस पर्सनल मोबाइल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फोटो लीजिए, उसे फिर मुझे पहुंचाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो सॉल्यूशन है विद इन 24 आवर्स में आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर क्या सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन समय मिल जाएंगे? डियर मेरे पास एक दिन में 40-50 क्वेश्चन आ रहे हैं पर डे, तो सारे स्टूडेंट्स के डाउट एक साथ तो सॉल्व हो नहीं सकते। बट अगर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिससे मुझे लगता है कि यार ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो सकता है, उन स्टूडेंट को भी डाउट हो सकता है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्ट करूंगा और उस क्वेश्चन को आपको सेंड करूंगा। तो आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप मुझे अपने डाउट की फोटो लेकर जरूर भेजिए। Now, जैसे ही आपके डाउट क्लियर होगा तो ही आप गेट और ईएससी जैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं है तो आपसे गेट और ईएससी जैसे एग्जाम में ब्लंडर होने के चांसेस है कि अगर वह कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाता है और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप समझ सकते हैं एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ तो अगर बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, यस यस ये क्वेश्चन मुझे गणेश टंडी का ये डाउट था, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनका ये डाउट था। तो आज मैं ये गणेश टंडी का ये जो डाउट है इस डाउट को क्लियर करूंगा। यस और नो, ऐसे ही डाउट के लिए आप मुझे भी अपने जितने भी डाउट है, आप मुझे भी अपने आपके जो भी डाउट है आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं। कहां पर भेज सकते हैं आप मुझे? फेसबुक पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। यस और नो, तो चलिए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। यस योर क्वेश्चन इज हियर द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि आपको डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। मींस आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है किसके फॉर्म में? साई और फाई के फॉर्म में। वाई की वैल्यू दी हुई है किसके? फाई और साई के फॉर्म में। देन आपसे एक्स की वैल्यू पूछी हुई है डी साई बाई डी एक्स के फॉर्म में। आप लोग एक काम करिए, वीडियो को स्टॉप करिए। वीडियो को स्टॉप करने के बाद 2 मिनट आप ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होता तो आइए मेरे साथ सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? साई टाइम ln ऑफ फाई। यस एक्स की वैल्यू दी हुई है साई टाइम ln ऑफ फाई। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साई। द वैल्यू ऑफ द साई इज नथिंग बट एक्स टाइम ln ऑफ फाई। यस और नो? यस आपसे डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछिए ना। नाउ अगर हम बात करें, अब हम इसमें से दूसरी चीज किससे बात करते हैं? दिस वन वाई। द वैल्यू ऑफ द वाई इज गिवन एज फाई टाइम्स ln ऑफ साई। फाई टाइम्स ln ऑफ साई। द वैल्यू ऑफ द फाई इज कम आउट टू बी, द वैल्यू ऑफ द फाई इज कम आउट टू बी ln ऑफ, the value of the phi is come out to be y upon, yes yes the value is come out to be y upon ln of psi. Yes the value is come out to be y upon ln of psi. Let us suppose this is your equation number 1, let us suppose this is your equation number 2, this is your equation number, now this is your equation number 1. Now put this value. Now aap kya kariye, aap ek kaam kariye, aap is phi ki value, yes, now put this value of the phi in this equation. Therefore hum ye sab sari cheeze kyon kar rahe hain jaldi se bataiye. Concept sirf itna hai ki aapko d psi by dx ki value nikalna hai dear. To aapko d psi by dx ki value nikalna hai, to yahan par agar unknown dekha jaye to aapko phi aa raha hai. Yes phi hame yahan pe problem create kar raha hai. To hum kya kar rahe hain, hum sirf itna kar rahe hain ki jo hamari problem hai usko dur kar rahe hain. Hum kya kar rahe hain ki sari ki sari cheezon ko kya hai, hum sari ki sari cheezon ko psi aur x ke term mein kar de rahe hain taki hum baad mein uska partial differentiation kar sake. Yes or no, put the value here. The value of the psi is come out to be, the value of the psi is come out to be x upon ln of ln phi. Tell me the value of phi is nothing but y upon
ln ऑफ साई, यस और नो, यस y अपॉन ln ऑफ साई, यस और नो, यस y अपॉन ln ऑफ साई. नाउ टेल मी दिस वैल्यू ऑफ द साई कैन बी रिटन एज x अपॉन दिस इज ln, ln ऑफ m by n इज ln ऑफ m minus n, दिस इज ln ऑफ y minus of ln ऑफ ln साई, यस ln ऑफ ln साई. नाउ नाउ अब मुझे बताइए आपको करना क्या है. सर मुझे डी साई बाई डी एक्स निकालना, मींस क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना. मींस इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मींस मींस डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट. यस मींस डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग एक्स एज, कीपिंग y as constant. Yes or no? Yes, keeping y as constant. Now calculate करिए आप d psi by dx की value. आप calculate करिए d psi by dx की value. Yes or no? Yes. आपने d psi by dx की अगर value निकाले, तो यहाँ से अगर हम differentiate करते हैं, d psi by dx is formula लगाइए, formula लगाइए. This value is denominator the square. This value is ln of y minus of ln of ln psi whole square. Yes, denominator ka square, denominator, the value of the denominator is ln of y minus of ln psi, ln of ln psi, denominator the square, denominator, differentiation of numerator is 1 minus numerator, differentiation of denominator, differentiation of denominator ln of y ka, differentiation of ln of y is Tell me the value is 0 minus. चलिए नया पेज पे करते हैं, आप लोगों को यहां समझ नहीं आएगा आई थिंक. चलिए लेट मी सॉल्व, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं. चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं मैं आपको यहीं पर. टेल मी द वैल्यू, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है. सर डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है. डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेल मी द वैल्यू ऑफ डी साई बाई डी एक्स. So the value is denominator the square, denominator is ln of y minus of ln of ln psi. Yes, denominator the square, denominator, tell me the value of denominator. So the value of denominator is ln of y, so ln of y minus of ln psi, denominator the square, denominator, differentiation of the numerator, numerator value is x, differentiation of x with respect to x is 1. Minus x in the bracket. Now differentiation of the denominator, the value is come out to be minus 1 upon ln of psi, minus 1 upon ln of psi into 1 upon psi d psi by dx. Yes or no, jaldi se bataiye. Haan ya na. Now ab aapko kya karna hai dear, ab simple sa kaam kariye. Ab aap ek simple sa kaam kariye. Kya kariye, mujhe ek baat bataiye. This value, ln of y, ln of psi की value आपको पता है कि नहीं? Yes, yes, ln of y, ln of psi की value पता है कि नहीं? Yes sir, पता है. यहाँ पे भी ln of y, ln of psi, यहाँ पे भी ln of y, ln of psi, इसकी value पता है कि नहीं? Yes, पता है. क्या पता है? ln of y minus of ln of psi की value क्या है? Sir, ln of y minus ln of psi की value, this one, this is psi by x. From here, this is psi by x. हाँ याना? इस साई बाय एक्स की वैल्यू इक्वेशन में रखिए. बस अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है. दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स अपॉन साई, दिस इज एक्स अपॉन साई प्लस ऑफ, सॉल्व दिस, दिस वैल्यू माइनस इनटू माइनस इज प्लस, दिस इज एक्स इनटू 1 अपॉन साई टाइम्स ऑफ ln ऑफ साई इनटू डी साई बाय डीएक्स, डी साई बाय डीएक्स. यस ऑर नो? नाउ डिनोमिनेटर टेल मी, and in the denominator the same value is ln of y minus ln of ln psi, this value is nothing but psi by y. Yes or no? I think this value I written here wrong here. This is x upon psi, this is x upon psi. Yes, this is x upon psi the whole square. Now ab aapko kya karna hai, sirf aapko simplify karna hai. Kariye simplify, the value is come out to be d psi by dx. The value is come out to be d psi by dx is equals to, चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई करिए इसको. अगर हम इसका सिंप्लीफाई करें तो x अपॉन साई, x अपॉन साई देखे,
x upon psi सभी जगह पर कॉमन है, तो x upon psi is cancelled out. This value is come out to be 1 plus of 1 upon ln of psi into d psi by dx divided by tell me the values x upon psi. This value is x upon psi. हाँ या ना? Now आप एक काम कीजिए, सिंपल से इसकी वैल्यू हम यहाँ कर देते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सिर्फ उस फॉर्म के लिए अगर हम देखें तो यस एक्स के फॉर्म में या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम उसे सिंपली उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यस और नो? चलिए, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x upon psi d psi by dx is equals to 1 plus 1 upon ln of psi into d psi by dx. Yes or no? This is d psi by dx. This is partial derivative. Now tell me, d psi by dx value is common here. Yes, d psi by dx. Here also d psi by dx value is common here. Now take the value as common. The value of d psi divided by dx in the bracket x upon psi minus of 1 upon ln of psi is equals to 1. Now simplify it. The value has come out to be d psi by dx is equals to LCM लेके आप यहां multiply कर देंगे. The value has come out to be x upon psi. Put the value here. This value has come out to be 1 upon x upon psi minus 1 upon ln of psi. Overall value has come out to be d psi upon dx is equals to psi into ln of psi divided by x ln of psi minus of psi. Means what? Ln of psi, psi time ln of psi, and this will, now come here. Now this value has come out to be psi times of ln of psi divided by x time of this one. Now, come here guys. अगर हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें, वैसे अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए था, बट अगर हम बात करें, कम ईयर यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो हमारा जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर में साई कहीं पर भी नहीं है. मीन्स वॉट, हमको क्या करना पड़ेगा, साई की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा. यस और नो? यस सर, साई की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा. अगर रिप्लेस करें तो साई इज इन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हियर, साई इज इन डिनोमिनेटर हियर, बट here the x is creating a problem. Put the value of x given. Tell me, put the value of x. Yes or no? Yes. अगर हम x की बात करें, किसके फॉर्म में, psi और phi के फॉर्म में अगर हम x की बात करते, the value of the x is psi time ln of phi. This value is given. Yes, guys, given this value. Put the value in this equation here. This value of d psi by dx is equals to psi time ln of psi divided by, put the value of x, psi time ln of phi into ln of psi minus of psi. Psi is cancelled out. The values come out to be d psi divided by dx is equals to ln of psi divided by ln of phi into ln of psi minus 1. This is one of the best question. Yes, ये बहुत ही अच्छा question है. Now tell me, the option is C. Yes, this question is of GATE 2019 civil branch. Now I think Ganesh Tandy आपको ये समझ आ चुका होगा. Yes or no? चलिए, move on to next question. ये question जो है मुझसे अभिषेक ने पूछा था. Yes, ये question मुझसे अभिषेक ने पूछा था. अभिषेक, ये question अब आपके लिए. अगर हम बात करें, if the characteristics of the differential equation this one has two equal roots. तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था डियर, आपको सिर्फ ये देखना था कि आपको रूट्स कौन से दिया है, इक्वल रूट. तो मुझे लगता है आपको सिर्फ ये समझ नहीं आया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या है. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब समझ नहीं आया आई थिंक. यस नो? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे कहते हैं डियर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा plus of d plus of twice of alpha plus of d into y is equals to 0. This equation can be written in this form. Yes or no? Yes, where d is nothing but
डी बाई डी एक्स, हाँ या ना। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो सिर्फ दिस वैल्यू इज एफ ऑफ डी इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी थी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, सर एम स्क्वायर, ओनली क्या करना है, ओनली इसमें एम की जगह पर जितनी जगह डी है उसकी जगह एम रख दीजिए, दिस इज एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इन टू एम प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। जस्ट अ मिनट, दिस इज डी हेयर, पुट डी हेयर एंड हेयर इज वन, यस। नाउ कैलकुलेट द रूट, द रूट्स आर एम वन एंड एम टू आर द रूट्स, एम वन एंड एम टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर फोर अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ फोर डिवाइडेड बाई टू। कौन सा फॉर्मूला यूज किया डियर, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कुछ नहीं डियर, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का फॉर्मूला यूज किया, जो कि आप बचपन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने के लिए पढ़ रहे होंगे, हाँ है ना। अब आपको क्या दिया, गिवन रूट्स आर इक्वल मींस व्हाट, एम वन इज इक्वल टू एम टू, द वैल्यूज कम आउट टू बी माइनस ऑफ ट्वाइस अल्फा, एक तरफ हम प्लस ले लेते, प्लस ऑफ रूट ओवर फोर अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, एक बार हम माइनस साइन ले लेते, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ रूट ओवर फोर अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ फोर डिवाइडेड बाई टू, यस और नो। दो इक्वेशन से अगर हम बात करें, दिस टू इज कैंसल्ड आउट, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इज कैंसल्ड आउट, द इक्वेशन इज कम आउट टू बी टू टाइम्स रूट ओवर फोर अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ फोर इज इक्वल टू जीरो, द वैल्यू इज कम आउट टू बी फोर अल्फा स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज कम आउट टू बी प्लस माइनस वन, यस योर आंसर बॉम्बे इज करेक्ट, यस और नो, यस। चलिए गाइस, तो आज का अगर हम बात करते तो मुझे लगता है जो अभिषेक है और गणेश सांडी दोनों के डाउट अपने क्लियर हो चुके होंगे, ओके गाइस। चलिए मिलते हैं हम कल हमारे डे फोर में, जिसमें कि आपके जो भी डाउट है उन डाउट को डिस्कस करेंगे। बट अगर आप रियली चाहते हैं कि आपके सारे डाउट इसी तरीके से सॉल्व होते रहे, आपके जो भी प्रिपरेशन चल रही है उस प्रिपरेशन में आपको बहुत एडवांटेजेस हो, आप चाहते हो कि सर सारे डाउट आप हमारे सॉल्व करिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप मैक ब्रांच के, आपको किसी भी उसमें आपको कोई भी डाउट आता है, आप चाहते हो कि सर मुझे सारे डाउट इसी तरीके से मिलते रहे, मुझे सारे डाउट आप एक्सप्लेन करते हुए आपके मुझे मेंटोरशिप मिलती रहे, कि आप मुझे थ्रू आउट द ईयर जो है आप मुझे गाइड करते रहिए, तो आपको क्या करना है, ओपन एन अकेडमी ऐप, चूज योर गोल एज गेट एंड ईएससी, देन प्रेस गेट अ सब्सक्रिप्शन, एंड यूज नॉट, आपको ना ही एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही थ्री मंथ, ना ही सिक्स मंथ, दीज सब्सक्रिप्शन आर फॉर द लेट कमर्स, जो लेट ज्वाइन करते हो, लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू करते हो, और आप समझ सकते हैं कि गेट और ईएससी की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करना कितना ज्यादा जरूरी। आप 12 मंथ का प्लान चूज करिए, या फिर आप 24 मंथ का प्लान चूज करिए, आपको जैसे ही आप प्लान चूज करते हैं आपको रेफरल कोड यूज करने का ऑप्शन आता है, एंड यूज माई रेफरल कोड एज अ पल्लव लाइफ। अगर गाइज आप चाहते हैं कि आपको सारी पीडीएफ्स, आपके जो भी डाउट है, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, आपके ये जो डाउट जिस बेसिस पे अभी सॉल्व हो रहा है वे डाउट उस तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं, आपको सारी प्रिपरेशन में आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको यूज माई रेफरल कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड जैसे आप रेफरल कोड एज अ पल्लव लाइफ यूज करते हैं और मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं इन माई पर्सनल मोबाइल नंबर, यस जैसे ही आप ज्वाइन करें आप मुझे पर्सनल मोबाइल नंबर पर भी मैसेज या कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेने में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी प्रकार से डाउट आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करिए और आपके सारे इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स है, हम सारी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।